अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टफ़ डेट्स बना रहे हैं, तो उसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी कोई रेसिपी नहीं है, बेसिकली जो भी आपको नट्स वगैरह पसंद हो आप उसके अंदर वो फिल कर सकते हैं। फिनलैंड में तो स्टफ़ डेट्स बिल्कुल भी नहीं मिलती। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं वो उम्रे पे गए थे, तो उन्होंने वो हमारे लिए गिफ्ट लेके आए थे, तो तभी हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और बहुत मज़े की थी। तो जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने पिस्ता लिया है, बादाम लिया है, मूँगफली है, ये मेरे पास ड्राई कोकोनट है। इसके अलावा ये जो रोज़ पेटल्स हैं ये वैसे डेकोरेशन के लिए हैं। कंडेंस्ड मिल्क है, ये रिकोटा चीज़ मैंने लिया है, और न्यूटेला है, पीनट बटर है, ये टॉफ़ी सॉस है, ये चॉकलेट सॉस है, इसके अलावा ये मेरे पास शहद है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब जो पहली स्टफिंग है वो हम बाउंटी स्टाइल में करेंगे। जो खजूरें हैं वो उसके अंदर से जो उसकी गुठली होती है वो हमने रिमूव कर दी है और इस तरह से ले ली हैं। अब मैंने थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क लिया है, इसके अंदर मैं कोकोनट जो क्रस्ट है वो डालूंगी थोड़ा सा, और उसकी मिक्स करके उसकी फिलिंग रेडी कर लेंगे। सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जो हमने मिक्स करनी है, और जब आपको लगे कि ये सही तरह मिक्सचर रेडी हो गया तो इट मीन्स कि ये रेडी है। इसमें भी थोड़ा सा और जाएगा। इसे मिक्स करूंगी अब मैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी थोड़ा सा लिक्विड ही है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और डालूंगी। अब मैं इसे मिक्स करके चेक करूंगी। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस तरह का मिक्सचर हमें चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा थिक मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम एक खजूर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम मिक्सचर को डालेंगे। मैंने बहुत ही छोटा सा स्पून लिया ताकि आराम से फिलिंग जो है वो अंदर चली जाए, इस तरीके से। खजूर जो है वो थोड़ी सी मैंने सॉफ्ट ली है, उसका फ़ायदा ये कि उसके अंदर स्टफिंग अच्छी तरह चली जाएगी। बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, जितनी अंदर आराम से जाए सिर्फ उतनी सी डालनी है, ठीक है। इसे रेडी करके मैं तीन रेडी करके फिलहाल रखूँगी। तीनों खजूरों में फिलिंग हो गई है। एक के ऊपर मैं रोज़ पेटल स्प्रिंकल करूँगी इस तरह से। कोटिंग और फिलिंग दो अलग चीज़ें हैं। फिलिंग आपने अंदर करनी है, कोटिंग में आपने ऊपर से कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगे आप वो उसके ऊपर रख सकते हैं। तो ये मैंने एक रोस्टेड एलमंड एक ही सिर्फ रखा है इसके ऊपर, और एक के ऊपर मैं चॉकलेट सिरप लगाऊंगी। इस तरह से अब ये तीन जो हैं ये रेडी हो गई हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। और जो चॉकलेट सॉस, टॉफ़ी सॉस या जो भी हम लगाएंगे, इसे हम बाद में फ्रिज में भी रख देंगे ताकि साथ साथ ये फ्रिज में जाके सेट होती जाए। तो अब मैं इसे उठा लूँगी और मैं बाकी आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमने कौन सी फिलिंग करनी है। नेक्स्ट हम बना रहे हैं स्निकर्स वर्जन है। ये मैंने पीनट बटर लिया है, और ये मेरे पास पीनट्स हैं तो इन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब एक खजूर लेंगे यहाँ से और इसे ओपन करेंगे। इसके अंदर मैं पीनट बटर डालूंगी। बहुत ज़्यादा भी फिल नहीं करना और बहुत कम भी नहीं, बस मुनासिब से करना है कि वो बाहर निकले ना, इस तरह से। और इसके ऊपर मैं पीनट्स लगा दूंगी, इस तरह से। और ये भी मैं तीन ही रेडी करके रख लूँगी। जो ये वाली खजूर मैंने ली थी ये सेपरेट हो गई है, तो इसके अंदर मैंने फिलिंग कर ली, और इसके ऊपर मैं इसी तरह से पीनट्स लगा दूँगी, इस तरह से। अगर आपकी हाफ भी हो जाए तो उसका कोई इशू नहीं है, आप उसको ऐसे ही एज इट इज़ ही रख सकते हैं। ये भी रेडी हो गई हैं, और अब हम नेक्स्ट फिलिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फिलिंग में मैं नोटेला और क्रश्ड एलमंड्स यूज़ कर रही हूँ। तो एक खजूर लेंगे और उसके अंदर हम नोटेला फिल करेंगे,
और ऊपर से जो कोटिंग है वो हम एलमंड्स की करेंगे। इस तरह से नुटेला लूँगी मैं और थोड़ा सा ओपन करके इसके अंदर मैं फिल कर दूँगी और इसके ऊपर मैं क्रश्ड एलमंड्स लगा दूँगी। आप चाहें तो होल एलमंड भी लगा सकते हैं लेकिन मुझे ज़्यादा ये अच्छे लगे तो मैं ये लगा रही हूँ। और बटर पेपर मैंने इसलिए रखा है कि एक्सेस जो भी ऊपर चीज़ आएगी वो बटर पेपर पर ही गिरे। और इसे भी मैं 3 ही रेडी करके रख लूँगी। ये भी रेडी हो गई हैं, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट है उसके अंदर मैं ये टॉफ़ी सॉस की फिलिंग करूँगी और कोटिंग करूँगी मैं क्रश्ड काजू की। तो खजूर लेंगे एक, एग्जैक्टली उसी तरह थोड़ा खोल के उसमें सॉस डालेंगे। इस तरह से और ऊपर मैं क्रश्ड काजू लगा दूंगी। आप ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं लेकिन मुझे इस तरह ज़्यादा आसान लग रहा था। और ये भी मैं 3 ही रेडी करके रख लूँगी। ये भी रेडी हो गई है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टॉफ़ी सॉस जो काजू है उसका कम्बिनेशन मुझे ऐसे फील होता है कि टॉफ़ी के साथ जाता है तो इसलिए मैंने टॉफ़ी की फिलिंग की है। अगर आप इसमें चॉकलेट के साथ करना चाहें या शहद के साथ तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट फिलिंग है उसके अंदर जो पिस्ता और बादाम है उसको हम शहद के साथ मिक्स करेंगे। तो पहले हम लेंगे थोड़े से बादाम और मर्च 2 चम्मच में बादाम क्रश ले रही हूँ थोड़े से और इतना ही पिस्ता डाल लूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी शहद। इतना के एक मिक्सचर रेडी हो जाए। इसे मिक्स करके मैं देखूंगी, अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं और डाल लूंगी। इसमें और शायद बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसको खजूर के अंदर फिल करते हैं। इस तरह से ये फिल हो गई है। इसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे कोटिंग करेंगे टॉफी सॉस की। इसी तरह से हम बाकी भी रेडी करके रख लेंगे। कुछ पे मैं कोटिंग कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप हर एक पे कोटिंग करें, इसको मैंने प्लेन ही रखा है। ये रेडी हो गई है, अब हम नेक्स्ट फिलिंग की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट फिलिंग है इसके अंदर हम क्रश्ड पिस्ता यूज़ करेंगे और रिकोटा चीज़ यूज़ करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, गोट चीज़ भी यूज़ हो सकता है, इसके अलावा कॉटेज चीज़ भी। तो चलिए अब इसकी फिलिंग करते हैं। एक खजूर लेंगे, उसके अंदर रिकोटा चीज़ जो है वो अच्छी तरह फिल कर लेंगे इस तरह से। ये उसी तरह से होता है जिस तरह से पनीर होता है, टेक्सचर इसका वही है। थोड़ा सा हाथ से दबाएंगे ताकि अंदर अच्छी तरह चला जाए। और इसके ऊपर हम पिस्ता लगा देंगे इस तरह से। और बाकी भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। और अब ये सब रेडी हो चुकी हैं। जो हमने सारी फिलिंग्स की हैं वो रेडी हो गई हैं। मैंने आपको ऑलमोस्ट 6 टाइप्स की फिलिंग्स दिखाई हैं। आप इसे किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं और किसी के ऊपर भी आप चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं, टॉफ़ी सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगा था कि मैं बादाम वाली के ऊपर चॉकलेट सिरप डालूँ तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, ये मैंने अभी टेस्ट करनी है। लेकिन मुझे रोज़ा खोलने के बाद प्लेन ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद ये स्टफिंग वाली भी खा सकते हैं, जिस तरह से जिसके अंदर चीज़ है, पिस्ता वगैरह, वो उसमें प्रोटीन वगैरह ज़्यादा होती है या जो भी होता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप भी ट्राई करें और खाएं। शुक्रिया।